अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यूसुफ काजी। आप देख रहे हैं एनिमल लवर वाई के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर गोट्स पसंद है, तो हमने इंटरनेट पे सर्च किए बोर गोट्स के बारे में और भारत में किस जगह पे बोर गोट्स ज़्यादा मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, कौन सा फार्म ज़्यादा पॉपुलर है अपने भारत में। तो हमने सर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि जो निमकर गोट फार्म है वह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इंडिया में सबसे पहले बोर वहाँ पे ही आया था। तो इसीलिए हमने वहाँ पे जाने का इरादा किया। तो इसीलिए आज हम उस फार्म पे जाने वाले हैं और वहाँ के आपके लिए बहुत से वीडियोस शूट करने वाले हैं और डिवाइड करके आपको बताएंगे। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और निमकर गोट फार्म के कम से कम 4 से 5 वीडियो आने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ लगे रहें और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपको हमारे वीडियो आपसे पहुंचेंगे और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें तो आपको पता चलेगा कि हमने कब वीडियो स्टार्ट की है। तो चलिए हम चलते हैं निमकर गोट फार्म। हे गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं निमकर गोट फार्म पे। ये जो निमकर गोट फार्म है ये फार्म कम और कंपनी ज़्यादा लगती है। आफ्टर ऑसम ड्राइविंग बाय विलेज ड्राइवर, बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग थी और विलेज ड्राइवर की, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं आज फार्म पे हमें क्या क्या देखने मिलता है। जैसे ये पॉपुलर फार्म है उसी तरह के बकरे इसके फार्म में है या नहीं, आज हम देखने वाले हैं। तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले ये निमकर का लोगो दिखेगा, उसके बाद आपको यह गेट से आपको अंदर जाना होगा। तो देखते हैं आगे जाके यह जो सामने है ये आपको ऑफिस नज़र आ रहा है। ऑफिस के अंदर आपको अगर कुछ बाय करना है तो यहाँ पे एक मैनेजर बैठा हुआ है। अंदर आने से पहले हमसे वो 120 रुपये चार्जेस किए हैं खाली फार्म विजिट के, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है निमकर शेरी फार्म कड़े। तो यहाँ पे जो ऊपर फार्म पूरा बना हुआ है, इसके 2 ब्रांच हैं, आगे भी और एक है फार्म और यहाँ पे भी है। यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऊपर जाके। तो दोस्तों जैसे ही आप गेट के ऊपर आ जाते हो तो आपको सारी तरफ एक ही ब्रीड नज़र आएगी, वो है बोर। आपको हर जगह बोर ही दिखाई देगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नस्ल की है जो बकरियां आपको दिखाई देंगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मैं एक बोर गोट लवर हूँ, तो इसीलिए मेरा दिल खुशी हो गया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह सारी बकरियाँ कैसी लग रही है। ये जो सेक्शन है ये सारा जो है बच्चों के लिए है। इनकी जो उम्र है ये 3 से 4 महीने के बच्चे हैं। बहुत ही खूबसूरत है और प्योर क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे 4 ग्रेड है, उसमें से प्योर क्वालिटी, फिर उससे कम ऐसे 4 लेवल के जो गोट से ये जो रखते हैं। मुझे तो ये लग रहा है ये सारी प्योर क्वालिटी के हैं, या जो आप देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे जो बच्चे हैं इनका वेट जो होगा 20 से 30 किलोग्राम से आसपास ही होगा और इनकी जो उम्र है वो है 3 से 4 महीना।
जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, इनका जो फ्लोर बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है, और इनमें जो गैप है इससे पूरी उनकी पेशाब वगैरह सब नीचे निकल जाती मतलब है और ये प्योर पूरे के मतलब पूरे अगर साफ जैसे रह जाते हैं, इसीलिए यह इनको इतने क्रॉस लगा साफ देते हैं ना दिखाई दे रहे हैं आपको। तो प्योर में बहुत ही मिलता है अच्छा प्योर। फार्म मेंटेन किया हुआ है और अच्छे से पूरा खाना वगैरह, सारे के सारे जो बकरे के बच्चे हैं ये सारे के सारे हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। ये साइड में जो फार्म है पूरा, इसमें बच्चे और बकरियां रखी गई हैं, और इनमें से सारी कुछ बच्चे दे चुकी है, उनको ये साइड में रखा जाता है। और फार्म के दूसरे सेक्शन में जो है वो पूरी वो गाभिन तो कितना बड़ा यानी कि महल होगा प्रेग्नेंट वो देख। बकरियां रखी जाती है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो ब्रीडिंग का मेल होगा इनका, तो 20 से 25 के ग्रुप में यहाँ पे एक मेल रखा जाता है जिससे मेटिंग की जाती है। और ये जो सारे बच्चे हैं ये इन्हीं के हैं, इसी का है क्या? जो ये साइड के सेक्शन में जो गाभिन बकरियाँ रखी हुई हैं उनके सारे बच्चे जो है वो 3 से 4 महीने के हो जाने के बाद उनको ये साइड में शिफ्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो सारी बकरियाँ हैं ये सारी की सारी गाभिन हैं, इसीलिए इनको ये सेक्शन में रखा हुआ है। मतलब ये हो रही क्या काफ़ी बकरी हेल्दी मैंने तो दिखाई कभी दे रही देखी है, नहीं है कोई माशाल्लाह। ज़रूर लिखे कमेंट में। तो है नहीं देखा मैंने इसमें कभी। पूरी ब्राउन भी है, आधी ब्राउन भी है, लेकिन ये जो सारी है ये प्योर क्वालिटी के लग रही है मुझे। और जो विदाउट प्योर क्वालिटी की नहीं है वो दूसरे फार्म पे रखे हैं, वो उनका भी वीडियो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप आगे देख रहे हो वीडियो में, ये ब्लैक कलर का है, जो ये क्रॉस ब्रीड होगा तो इसकी कीमत यहाँ पे कम ही होगी। कीमत के बारे में हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल से आप लगे रहे। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इसके बाद जो सेक्शन है इसमें थोड़े कम उम्र के बकरे दिखाई दे रहे हैं, इनकी उम्र 2 से 3 महीना ही होगी। और यहाँ पे कैरेट में इनके लिए खाना रखा हुआ है, ये बीमार है खा क्या रहे बकरी हैं, सारी ये और पानी के लिए टब भी रखा हुआ है। कितना कौन सा छोटे बोर इससे बेहतरीन बोर बच्चे मैंने आज तक अभी तक देखे नहीं हैं। आपको ये फार्म कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एंड तक देखें और एंजॉय करें। कोई मैनेजर वगैरह नहीं कह रहे हाँ? बैठे नहीं थे वहाँ पे कोई? नहीं ना कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है तो इसको इसको देख उधर खाने उड़ाले जा रहे सबको। बकरी हो कोई बोलने को चाहिए तारे? वो आया